सुप्रभात किसान साथियों, कोरोना के इस काल में आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और हां, आप 2 गज की दूरी है ज़रूरी का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और अपना ध्यान रखेंगे। लेकिन किसान का एक ऐसा कार्य है कि उसे करना ही पड़ता है, इसलिए आप अपना ध्यान रखें और अपने पौधों का भी ध्यान रखें। किसान साथियों, आज है 8 मई और किसान साथियों ने अपने जो सर्दी की फसल लेना चाहते हैं उनकी कटिंग शुरू कर दी होगी। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि मुझसे अक्सर किसान भाई ये पूछते हैं कि पौधे लगाने का सही समय क्या है। सबको पता है कि पौधे लगाने का सही समय जून के अंतिम सप्ताह से और अगस्त तक है, जिसमें अधिकतर लोग पौधे लगाते हैं, क्योंकि उसी टाइम खेत खाली होते हैं गेहूं की फसल कटने के बाद भी। किसान साथियों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और पिछले वर्ष मैंने 3 महीने में पौधे लगाए हैं। मैंने सितंबर के पहले वीक में पौधे लगाए हैं और उसके बाद मैंने नवंबर के पहले वीक में पौधे लगाए थे और दिसंबर के पहले वीक में भी थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पौधों की क्या हालत है और इसे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या ये सही है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये पौधा मैंने सितंबर के पहले सप्ताह में लगाया था, इसकी मैंने अब कटिंग कर दी है। ये देखिए, यहाँ से कटिंग की है। पहली कटिंग इसकी मैंने यहाँ से की थी, ये की थी यहाँ से। इसके बाद ये शाखाएँ निकली थी, ये पहली शाखा थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी और ये चौथी वाली शाखा थी। अब इनमें देखिए, इनकी मैंने कटिंग कर दी है यहाँ से लगभग 1 फिट छोड़कर। ये देखिए, यहाँ से कटिंग की है, यहाँ से कटिंग की है, यहाँ से कटिंग की है और यहाँ से कटिंग की है। अब देखिए, इसमें कल्ले, इसको लगभग 1 सप्ताह हो गया है कटिंग किए हुए। इसमें कटिंग के बाद मैंने पानी दिया था और ये देखिए कल्ले निकल रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे कल्ले चल रहे हैं। अब सवाल आता है कि क्या कटिंग के बाद पत्ते छोड़ दें। मैंने पत्ते नहीं हटाए थे इस बार, कुछ पौधों में हटाए थे, लेकिन जिन पौधों में पत्ते हटाए हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी अगर चाहें तो इस प्रकार इन पत्तों को हटा दें और अब आप देखेंगे कि इसमें कितने कल्ले नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कितने कल्ले नज़र आ रहे हैं इसमें। ये मैंने सितंबर में लगाया था, देखिए कितना बड़ा हो गया है और कितनी अच्छी कैनोपी इसकी बनती जा रही है। ये देखिए इस पौधे को। अब सवाल आता है कि इनकी नेक्स्ट कटिंग मैं कब करूँगा। किसान साथियों, जिन्होंने इनकी मई में कटिंग की है, वो जो पौधे सितंबर में लगाए थे या जुलाई अगस्त में लगाए थे, तो उनकी अब कटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट कटिंग है वो हम इसकी सितंबर में करेंगे। और सितंबर के बाद ये पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि हम अगर इनमें बरसात की फसल लेंगे तो उससे अगली कटिंग हम फरवरी में करेंगे, और अगर बरसात की फसल नहीं लेना चाहते तो उस टाइम हल्का सा ताव देंगे, क्योंकि पौधे 2 साल के पूरे नहीं होंगे तो उनमें ज़्यादा पानी नहीं रोकेंगे, बहुत कम दिन के लिए रोकेंगे, और हम सर्दी की फसल लेने के लिए इसमें इसकी मई में कटिंग करेंगे। ये पौधा मेरा धवल का पौधा है, ये मैंने नवंबर के पहले वीक में लगाया था। आप देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया। इसके बराबर में जो पौधा है ये जून में 3 साल का हो जाएगा, और इसकी मैंने बहुत गहरी कटिंग की थी, और ये ललित का पौधा है। देखिए इसमें अमरूद बन गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय जब ऐसे अमरूद बन जाते हैं तब आपको इसमें फल मक्खी न आए उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है और इनकी रक्षा किस प्रकार करनी है। ये देखिए कितना अच्छा पौधा है, ये भी नवंबर की प्लांटेशन है। ये देखिए, इनकी मैं पहली कटिंग कर चुका हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से मैंने पहली कटिंग की थी इसकी, और ये पौधा देखिए चारों दिशाओं में फूट चल गई है इसमें।
ये देखिए, ये भी नवंबर की प्लांटेशन है। किसान साथियों, इस पौधे को देखिए, इसमें भी ये देखिए पत्ते खाए हुए लग रहे हैं। ये पत्ते इस समय, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब आसपास गेहूं कट जाते हैं, किसी भी खेत में हरियाई नहीं रहती, तो जहां पर नमी और ये देखे थोड़ा घास है और हरी चीज़ होगी, वहां पर ये सुंडी आएगी, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं। ये सुंडी ये दो प्रकार की है। ये देखिए, इस प्रकार की सुंडी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, और ये पत्ते खाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्ते खाने लगती है। इस पर आप किस दवाई का प्रयोग करेंगे, ये देखिए, ये सब नवंबर की प्लांटेशन है मेरी। ये देखिए, इन्होंने पत्ते खा लिए। इस पर मैंने परसों शाम को एक दवाई कराई है और जब मैंने चेक किया तो सभी सुंडी ख़त्म हो गई थी इस पर। ये पौधा मैंने दिसंबर के पहले सप्ताह में लगाया था। देखिए कितना अच्छा पौधा है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर पानी आने की वजह से घास काफ़ी हो गई है और इसकी वजह से ही इल्ली आती है। लेकिन जब परसों मैंने इन पर स्प्रे कराया तो वो इल्ली, देखिए ये पत्ता खाया गया, तो वो इल्लियाँ समाप्त हो गई हैं। और ये 2 फीट का जो बड़े होते रहते हैं, मैं उनको धीरे धीरे काटता रहता हूँ, ऊपर की बढ़वार रोक देता हूँ ताकि इनका छत्रक बने। देखिए कितने अच्छे पौधे हैं। ये मेरी दिसंबर के पहले हफ्ते की, 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक की प्लांटेशन है। देखिए इसमें आई है, ये देखिए, ये L49 का पौधा है जो मैंने लगाए हैं। ये L49 का बाग है। ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये दिसंबर 2020 की प्लांटेशन है। लेकिन इल्लियों के प्रकोप से ये काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसकी कई दवाइयाँ आती हैं जो बहुत कारगर है, मैंने करी है। वो है प्रोफेक्स सुपर, प्रोफेक्स सुपर या कोरसा 808, जिसमें कि प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रीन होता है। इसका वैसे तो 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करते हैं, लेकिन आप शाम के समय इसमें 1.5 ml प्रति लीटर, अर्थात एक 20 लीटर की टंकी में 30 ml ये डालिए। और मैं इनमें गर्मियों में हमेशा 4 बजे के बाद स्प्रे कराता हूँ, और 4 बजे के बाद स्प्रे करने पर गर्मी कम हो जाती है और शाम के समय ये इल्ली पत्ते के ऊपर आ जाती है। अक्सर कर ये गर्मी में धूप से बचने के लिए पत्ते के नीचे चले जाती है। तो ये दवाई का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो सारी इल्लियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये सब दिसंबर, ये पौधा थाई पिंक का है। देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, इस पर अमरूद बनने शुरू हो गए हैं। इस पर मैं सर्दियों की फसल भी लूँगा और ये बरसात की फसल है। ये देखिए अमरूद बन चुके हैं। अब इन पर फल मक्खी का क्या इंतज़ाम करना है ये मैं बताता हूँ कि आपको इसके आसपास सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद आपको एक दवाई आती है सिजेंटा की, अली का। इसका असर काफ़ी दिनों तक रहता है, यानी कम से कम 1.5 महीने तक रहेगा। तो आप इसका स्प्रे अवश्य करें, तो ये कोई भी कीट, सकिंग पेस्ट, फ्रूट फ्लाई और जो आपकी मिली बग है, ये इन सब में तो किसान साथियों, मैंने आज आपको 3 समय पर लगाए हुए पौधे दिखाए और कोई भी पौधा नहीं मरा है। लगभग नवंबर दिसंबर में लगाए हुए पौधे एक ही हैं, उस समय बढ़वार थोड़ी कम होती है, लेकिन मैं इनमें लगाने के 15 दिन बाद मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा जीवामृत दिया था, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं जीवामृत बनाता हूँ। तो उस समय मैंने सारी सर्दियों इसमें प्रत्येक माह लगभग आधा आधा लीटर तने से दूर इनमें जीवामृत देता था, और ये पौधे देखिए अब कितने स्वस्थ हो गए हैं। इसमें मैंने फ्लड से पानी लगाया है और इस टाइम ये काफ़ी गीला है, और कल शाम तक इसमें पावर टिलर चलने लायक हो जाएगा, और जब इसकी ये बुहाई होगी इसके बाद मैं इनमें खाद लगाऊंगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये कलियां हों इनको तोड़ देना। किसान साथियों, अगर आपकी देखरेख अच्छी है
और वैरायटी सही है, वैरायटी बहुत मायने रख। देखिए छोटा पौधा है, वैसे ये 2 साल का है, देखिए कितने फ्लावर्स हैं इस पर, और ये देखिए फल भी बन गए, इस पर नहीं है। अब इस वैरायटी का क्या करिए, उतनी ही मेहनत मैंने इस पेड़ पर करी है और उतनी ही इस पर करी है, इस वाले पर कोई भी एक भी फूल नहीं है, एक दो फल हैं, ये देखिए एक ये फल है, और इस पर देखिए आप चारों तरफ को घूमकर कितने फल, ये देखिए भरे हुए हैं इसमें, ये देखिए ये बन गए, ये देखिए कितने हैं। छोटा सा पौधा, इस पर मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये देखिए ये था। तो किसान साथियों, अगर आप तैयार हैं बागवानी के लिए और सही ढंग से पौधारोपण करते हैं, आपके पौधे अच्छे हैं, किसी अच्छी नर्सरी से लिए हैं, आप अमरूद के पौधे हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, और कई वैरायटी हमारे पास मिलती हैं, L49 है, अलाहाबादी सफ़ेदा है, धवल है, पास ललित है, बर्फ़ खान है, जी विलास है, और आपका श्वेता है, ताइवान पिंक क्लोन है, ताइवान पिंक ग्राफ्टिंग वाला है। ये देखिए ये मेरा श्वेता का पेड़ है, और श्वेता के पेड़ पर ये कटिंग कर दी है, और देखिए अब कल्ले कितने फूट रहे हैं, अभी करीब 1 हफ्ता हो गया इस कटिंग को, 25 दिन में कल्ले अच्छी तरह निकल आते हैं, और उसके अगले 25 दिन में आपके फ्रूट हो जाते हैं। ये भी मेरा श्वेता का पेड़ है, इस पर मैं बरसात की फसल ले रहा हूँ, देखिए कितने फ्लावर्स हैं इस पर। किसान साथियों, ये थी एक मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने विभिन्न समय पर लगाए हुए पौधे दिखाए और उनकी कटिंग के बारे में बताया, और मैंने 2 प्रकार की सावधानी बताई, जो छोटे पौधे हैं उन पर जो इल्ली आती है, सुंडी आती है, उसके लिए क्या दवाई बताई, इफ़्को की भी दवाई आती है, आप कोई सी भी ले लें, थोड़ी महंगी है, 80 ml के पैक में आती है, 200 ml के पैक में आती है, तो आपको इसे लगभग 0.4 ml प्रति लीटर मिलाना है, और इसको मिलाकर आप स्प्रे करिए। ध्यान रखिए, जैसा हमने एक बार पहली वीडियो में बताया था कि इस समय गर्मियों में स्प्रे का समय सुबह 9 बजे से पहले या आपको शाम को 4 बजे के बाद, और इस समय कोई भी स्टिकर नहीं मिलाना है। अगर सही प्रकार से पौधे लगाएंगे तो मेरी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट भी पड़ा है कि अमरूद का पौधारोपण किस प्रकार करें, और एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है, लेख भी लिखा है कि किस समय की कटिंग के लिए, अर्थात पौधा कितना बड़ा हो उस समय कौन सी वीडियो देखें आप और अपने पौधों की कटिंग। किसान साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें जितना भी हो सके। बाग में जाते हैं, पिछले 15 दिन से मैं यहाँ पर बाग में हूँ, क्योंकि मैं देहरादून नहीं जा सकता, वहाँ पर एंट्री बंद है, और बार बार टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, जो मेरे पास अभी नहीं है। हालांकि मुझे वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है, मेरी दूसरी डोज मुझे 4 अप्रैल को लगी थी, और काफ़ी हद तक मैं सुरक्षित हूं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें, और अगर जब भी खेत में काम करें, आपके कार्यकर्ता हों, उन्हें कहें उचित दूरी बनाकर रखें, और उसके साथ साथ काम करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, और एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं आए। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।